हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल ओके। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर, जो कि 12th क्लास में बायो का चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो बेटा इसमें सबसे पहले आपसे डोमिनेंट ट्रेट है रिसेसिव ट्रेट। क्या होता है? डोमिनेंट होता है बेटा जो अपने डोमिनेंट नेचर शो करे। कोई रिसेसिव ट्रेट के साथ अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो ये अपना जो कैरेक्टर है उसको शो करेगा सबसे पहले और रिसेसिव को दबा देगा। ठीक है, ये जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे उसके अंदर आप देखोगे कि डोमिनेंट कैरेक्टर कैसे ओवर रिएक्ट करता है किसके ऊपर, रिसेसिव के ऊपर। ठीक है, तो रिसेसिव को होता है जो इनको सबसे पहले बात करो तो स्मॉल लेटर में शो किया जाता है, इनको कैपिटल लेटर में शो किया जाता है। इसके बाद आते हैं कि रिसेसिव ट्रेट वो ट्रेट होते हैं ये एक्सप्रेस नहीं हो पाते, क्यों? इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, ये एफ वन जनरेशन के अंदर रिसेसिव ट्रेट नहीं दिखाता। ठीक है, जो एफ टू जनरेशन आती है उसके अंदर रिसेसिव ट्रेट शो हो जाते हैं। उसके बाद आती है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? दिस इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन। मैंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताया था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? ए पेयर ऑफ ए विजिबल कैरेक्टर है, विजिबल कैरेक्टर। पेड़ टॉल होता है, यही पेड़ ड्वार्फ भी होता है, तो ये पेयर में है या नहीं? ठीक है, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, विजिबल कैरेक्टर को ये क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये डोमिनेंट हो जाएगा। इन दोनों के बाद अगर मैं ये लिख देता हूं दैट इज दो डिफरेंट है, तो ये क्या कह रहा है? हेटरोजाइगस। हेटरोजाइगस कंडीशन। हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर जो एलील होता है या फिर जीन की जो पेयरिंग होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा, एक ड्वार्फ का एलील रहेगा, सॉरी एक रिसेसिव रहेगा, एक डोमिनेंट रहेगा। रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों अलग अलग चीज है बेटा। यही चीज रिसेसिव अंदर देख सकते हैं कि जो रिसेसिव होता है अपना कैरेक्टर या अपना जो विजिबल पेयर है जो इसके साथ बना रखा है उसको शो नहीं कर पाता है, खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है इस डोमिनेंट की वजह से। आप अगर पेड़ कहा जाएगा तो टोल ही मान जाएगा, बट हेट्रोजाइगस ट्रेट के साथ यही पे पेड़ टोल तो है बट होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे पेड़ ड्वार्फ है बट होमोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे टोल है बट हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अगर ये आता है दैट इज सेम होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज नॉट होमोजाइगस हेटरोजाइगस एंड डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। एक आता है जीनोटाइप। ठीक है, इसके अंदर अरेंजमेंट जैसे हेट्रोजाइगस है
ठीक है, इसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन ये रही ऊपर वाले के अंदर, तो ये चीज शो करेगी उनके अंदर जीन का अरेंजमेंट कैसे है, यहीं पे आता है फिनोटाइप, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हमें दिखाई दे, फिजिकल कैरेक्टर। अब हमें ये नहीं पता इसके अंदर एट्रोजाइगस कंडीशन, पर ये पता है कि ये टॉल प्लांट है, मान लो ये है टॉल कंडीशन है, प्लांट तो टॉल है बट होमोजाइगस कंडीशन नहीं है, एट्रोजाइगस कंडीशन है, हमें जो बाहर से दिख रहा है दैट इज टॉल, पर है इसके अंदर रिसेसिव भी। अगर एफ टू जनरेशन के अंदर क्रॉस करते हैं तो जो पेड़ आएंगे, जो प्लांट आएंगे वो रिसेसिव कंडीशन में भी आएंगे, जो कि ड्वार्फ नेचर को शो करता है। जो एफ वन जनरेशन होता है उसके अंदर हर एक प्लांट टॉल होंगे, जो एफ टू जनरेशन आएगी उसके अंदर 1:2:1 आएगा। ठीक है, ये मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाता हूँ। अभी क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पेयर ऑफ विजुअल कैरेक्टर दैट इज कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर हम लेख के चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये तो होता है हमारे पास टॉल प्लांट, यहीं पे विच इज ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, एक टॉल है एक ड्वार्फ प्लांट है, हमने इसका क्रॉस करवाया, इसके अंदर से टी आया, इसके अंदर से स्मॉल टी आया, हमारे पास दो जो कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर के से F1 जनरेशन में जो F1 जनरेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग आई है वो सारी टॉल आई है, बैक्टीरियल टॉल ही आई है। ये चार कंडीशन आगे दैट इज होमोजाइगस टोन 1:2, हेटेरोजाइगस टोन 2:2 एंड होमोजाइगस डॉट, जैसे मैंने बताया था आपको जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1 आएगा। यहीं पे हम फिनोटाइप की बात करते हैं, फिनोटाइप के अंदर क्या होता है, फिनोटाइप जो हमें फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, टोल 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 जब डोमिनेंट कैरेक्टर होता है तो रिसेसिव कैरेक्टर को दबा लेता है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के तीन लॉ में से एक है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी में डायहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस भी हो सकता है, उसके अंदर F1 जनरेशन के अंदर दो आएंगे, दो कैरेक्टर आ जाएंगे F1 जनरेशन प्रोजेनी में। ठीक है, उसके बाद यहां पे चार, यहां भी चार जो इनके गैमेट बनेंगे और चार से कितनी जनरेशन आएगी, 16 ऑफस्प्रिंग आएगी। ठीक है, जिसको हम देखेंगे, ये तो बेटर डोमिनेंस हाइब्रिड क्रॉस के अंदर किसने किया था, मेंडल ने किया था। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।